इस घटना को पहली बार रविवार को प्रार्थना सभा के दौरान देखा गया था। चर्च के पादरी फादर पेपे सेगुरा ने कहा कि एक व्यक्ति ने उन्हें मूर्ति से निकल रहे आंसुओं के बारे में बताया, जिसके बाद मैंने देखा कि लोग मूर्ति से निकल रहे आंसुओं को फिर से देखने के लिए मिटा दे रहे थे। फादर पेपे ने लॉस क्रूसेस सन सेंटिनल से कहा कि जब मैंने गौर से देखा तो पाया कि मूर्ति वास्तव में रो रही है। मुझे लगता है कि ये हम सभी लिए चेतावनी है कि हम खुद को भगवान के करीब लाए और हिंसा करने से बचे। बता दें कि इस घटना को देखने के लिए लोग पूरे मेक्सिको से आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेक्सास के लोग भी इस घटना को देखने के लालायित हो रहे हैं। गुरुवार को मूर्ति से निकल रहे इन आंसुओं का परीक्षण करने के लिए एक दल चर्च में पहुंच गया है, जो ये निर्धारित करेगा कि मूर्ति से निकल रहे ये आंसू कोई चमत्कार है या फिर कुछ और। दल के प्रमुख कुलपति जिम विंडर ने कहा कि आप चमत्कार को साबित नहीं कर सकते, लेकिन गलत स्पष्टीकरणों को अस्वीकार कर सकते हैं। चर्च को 4 घंटों के लिए बंद कर दिया गया था जब अधिकारी मूर्ति से निकल रहे आंसुओं के नमूने को एकत्रित कर रहे थे। नमूना इकट्ठा करने के लिए मूर्ति के आसपास की जगह की खुदाई भुरी की जाएगी। जांच की इस प्रक्रिया में सालों लग सकते हैं।